गाइस दीदी की जॉब छूट गई। मैं अंदर से फूट गई हूँ, मैं अंदर से रो रही हूँ। क्या बताऊँ आपको गाइस, मेरी एक जॉब लग रही थी, मेरी एक जॉब लग रही थी और वो पागल है। तुम नहीं जान सकती दीदी बाबू का दर्द, आप नहीं जान सकते दीदी बाबू का दर्द। गाइस मेरी जॉब लगी गई थी, मतलब मैंने तीन दिन उसमें वेस्ट कर दिए, उसकी ट्रेनिंग ली और पता नहीं क्या क्या, इतना समझ में भी नहीं आ रहा था मुझे कुछ। वहाँ का बिजनेस स्टार्ट करने वाली थी मैं, बेचारी टाइम ही मुझे समझाती थी। और मैंने तीन दिन तक मैंने लेवल कंप्लीट करे, तीन दिन तक मैं हार्ड वर्क करती रही, पढ़ती रही, समझती रही रात को दिन को। और फिर मुझे प्रेजेंटेशन देनी पड़ती थी सुबह में सर को प्रेजेंटेशन देती थी मैं। और आज वो मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी समझ गए जो समझ गए तुम, तो वो मैं मुझे मिलने वाली थी वो मेरे हाथ से निकल गई है। बस क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती। खैर छोड़ो गया, खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। काटू श्याम बाबा हमारे साथ है, हमारे बाबा हमारे साथ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा होता है। ठीक है, ऑल इज वेल। तो गाइज मैं काफ़ी टाइम से मैं बना नहीं रही थी व्लॉग, इसी कारण नहीं बना रही थी क्योंकि मैं उसके चक्कर में लग गई थी, उस बिजनेस को स्टार्ट करने में लग गई थी मैं। और इसी वजह से मैं, मुझे रोज का रात दिन सुबह शाम मुझे वो चीज़ें देखने, क्या था वो टाइम, वो ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती थी, देखना पड़ता था उनको, फिर उनको समझाना पड़ता था, उनको बताना पड़ता था कि मैंने क्या समझा उसके बारे में। तो मीटिंग चलती थी, तो क्या यार, मतलब तीन दिन तक उसी में ही मेरे वेस्ट हो गए हैं, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बनाती। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं आपको छोड़ कर किसी और जगह लग गई थी, सो सॉरी मैं कि आपको लोगों को ये छोड़ कर मैं कहीं और लग गई थी, सॉरी। सो अब कोई दिक्कत नहीं है, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, बाबा हमारे साथ है। तो अब हम आज का व्लॉग ये है, मैं बता दूँ होली आने वाली है, आप सबको पता है, इसको पकड़ पाएंगे तो मेरा हाथ दुख गया। आप सबको पता है होली आने, पाँव हटी रहा, आप सबको पता है होली आने वाली है, होली पे बहुत सारी चीज़ें बनती है, लाइक मिठाई, मेरा मुँह, मेरा मुँह नहीं दिख रहा, सब चीज़ बनती है। तो मैं सोच रही हूँ नान खटाई बनाएंगे, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है नान खटाई, और मैं चाहती हूँ नान खटाई बने, नान खटाई कल परसों बन जाएगी, लेकिन आज जो मैंने रेसिपी देखी, करने वाले हैं उसको मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं कल और परसों का वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ नान खटाई के लिए, खाने के लिए मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैंने आंटी से कहा, मैं आंटी थोड़ी सी मैं बनाऊंगी अभी बनाऊंगी मैं थोड़ी सी, तो मैं बनाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो बनाए, बना लूँ आंटी, बना लो अच्छा थोड़ी सी। ठीक है, तो गाइस देखो इसमें मैंने एक कप आटा और थोड़ा सा आधे कप मतलब सूजी और वो बेसन करके मिक्स कर दिया, ये रहा तीनों चीज़ें मिक्स कर दिए। और इधर मैं इसमें लूँगी घी, ये रहा इतना सा मैंने घी ले लिया है, थोड़ा सा ही लिया है, और इसमें मैंने थोड़ा रिफाइंड डाल दिया, और ये इन दोनों में ये पीस लिए चीनी पीस ली, इधर दिखा, ये चीनी पीस ली, इसमें थोड़ा ये डाल के मैं मिक्स करूँगी। तो गाइस ये मैं हरी इलायची कूट रही हूँ, वो डालेगी इसमें, ये थोड़ा सा बेकिंग सोप पाउडर, इलायची,
हरी इलायची और इसे मिक्स कर देंगे। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। एक बैटर बना लूंगी। तो गाइस देखो इसका बैटर कुछ इस तरीके से हो रहा है तेरा। तो अब मैं इसको इसमें मिक्स कर दूंगी, ठीक है। तो गाइस हमारा डो इस तरीके से हो गया है तेरा, हमारा डो बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसके वो बना लेती हूँ, नान खटाइस बना लेती हूँ इनके। तो गाइस ये हमने इतने साइज में कर लिए हैं। और ये ऐसे थोड़ा इसमें कट मार लेंगे। तो गाइस देखो मैंने ये प्री हीट करने रख दिया था और ये 15 मिनट के लिए हमने अपनी नान कटाई के लिए सेट करने के लिए रख दिया। अभी थोड़ी फूल जाएंगी आप देख सकते हो। और इतने दूसरी तैयार हो रही है ये रही। ये बहन जी बात करती करती बना रही है। और ये रही गाइस इतनी देर से मैंने बेक करने के लिए रख रखा था लेकिन ये स्विच नहीं दबाया, स्विच ऑन नहीं करा। और ये देखो हमारी फूल रही है, फूल रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कैसी बन रही है अंदर ही अंदर। अब मैंने ये ऑफ कर दिया है और अब मैं इसको निकालूंगी। आंटी मेरी नकल उतार रही है, मेरी कॉपी कर रही है। देखो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। वो लिया दूसरा वाला। आंटी मेरी कॉपी ना करो प्लीज। क्या करूं? वो दूसरा वाला। अच्छा देखिए गाइस बन चुकी है और चेक भी तो करूं हुई है नहीं हुई है। वैसे गाइस मैंने पहली बार बनाई है तो पता नहीं। जा जल्दी चाकू ले का। तो गाइस चेक कर लेती हूँ मैं। देखिए गाइस कितनी अमेजिंग लग रही है ना। अपने घर भी ट्राई कर सकते हो मेरी तरह। कोई काम बड़ा छोटा या मुश्किल नहीं होता है ना आंटी। सो गाइज हमारी ये नान खटाई रेडी हो चुकी है और मुझे बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही है ये। मैं खा कर दिखाती हूँ। ये देखिए कैसी इधर ये वीडियो कॉल पे लग रहा है। झूठी ऊटी इसमें मिला। वेरी गुड, अच्छी है ना। कुछ ज़्यादा ही अच्छी बनी है। पर उठा। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? मैंने पहली बार बनाया, मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। पहली बार मैंने यूट्यूब से देख के बनाई है तो देख मेरा भी अच्छी लगी आप लोगों को। तो गाइस ठीक है मुझे तो अच्छी लगी है। और देखते हैं अभी तो सिर्फ मैंने अभी तो मैंने बस टेस्ट के लिए बनाई है। होली के लिए कल परसों देखते हैं वांटी बनाएगी अच्छे से। मैंने तो ऐसी बनाई है अपनी कि मुझे रहा नहीं जाना था। तो इसलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय 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 बोल दो। बाय।